नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। धारा 370 हटने के 3 साल बाद पीएम मोदी जम्मू आए। पीएम मोदी दोपहर लगभग 12 बजे जम्मू पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। जम्मू पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने ग्राम सभा की बैठक में हिस्सा लिया। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू के सांबा जिले में ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई थी, जहाँ पर पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। हजारों की संख्या में आए लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने नौजवानों को रोजगार दिलवाने का ऐलान किया। उन्होंने दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। साथ ही सांबा में 108 जन औषधि केंद्रों के साथ पल्ली गांव में 500 किलोवाट और ऊर्जा षड्यंत्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने अमृत सरोवर मिशन की भी शुरुआत की। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात में जब पानी की व्यवस्था महिलाओं को सौंपी गई तो हमने बेहतर परिणाम देखे। उन्होंने कहा कि यहाँ भी हर स्तर पर बहन बेटियों की भागीदारी बढ़ानी होगी। पीएम मोदी ने इस पूरी पंचायत के दौरान 38,082 करोड़ रुपए के व्यावसायिक विकास प्रस्तावों की आधारशिला रखी, जिससे जम्मू कश्मीर का विकास दुगनी तेजी से होगा। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।